हेलो एवरीवन, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम थ्योरी है वह जर्मन साइंटिस्ट ओटो विट ने दी थी। ओटो विट के अनुसार क्रोमोफोर है वो टू ग्रीक वर्ड क्रोमा और फोर्स से मिलके बना है। क्रोमा का अर्थ है कलर और फोर्स का अर्थ है टू बियर, अर्थात रंग धारण करना। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, उसका कलर है येलो, और ये कलर येलो है वो नाइट्रो ग्रुप के कारण है, और नाइट्रो ग्रुप है वो किसका कार्य करता है, क्रोमोफोर का। इससे ये स्पष्ट है कि किसी भी कंपाउंड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन शो करते हों, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। दूसरे टाइप में जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट हो, या कहूं जिनमें पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग के साथ साथ एन टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन पाया जाता हो। अपन एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप, थायोकार्बोनिल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, एजोक्सी, बाइकार्बोनिल और बेंजो क्विनोन, ये सभी ग्रुप हैं वो क्रोमोफोर का कार्य करते हैं। आगे है कि एसीटोन है उसमें क्रोमोफोर के रूप में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और यह कलरलेस है। इससे यह स्पष्ट है कि जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट हो वह कलर्ड हो भी सकता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन येलो कलर, और नहीं भी हो सकता है एसीटोन, दोनों में ही क्रोमोफोर प्रेजेंट है। मैंने नीचे लिखा है किसी कलर्ड कंपाउंड में क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट हो वह कलर क्रोमोफोर के कारण जनरेट होता है, अर्थात कलर के लिए क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो कंपाउंड क्रोमोफोरिक ग्रुप रखते हैं फिर भी कलरलेस होते हैं, एग्जाम्पल एसीटोन। इससे ये स्पष्ट है कि क्रोमोफोर के कारण कंपाउंड कलर्ड हो भी सकता है और नहीं भी, बट जो कलर कंपाउंड का होता है वो कलर किसके कारण होता है, क्रोमोफोर के कारण होता है। अब है कि क्रोमोफोर हैं वो अनसेचुरेटेड ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, एजोक्सी, बाइकार्बोनिल और बेंजो किनोन, सभी के अंदर पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड। जो अल्ट्रावायलेट एसीटोन, दैट मीन्स 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में लाइट का अब्जॉर्प्शन शो करते हैं या लेमडा मैक्सिमम शो करते हैं, या विजिबल रीजन जैसे नाइट्रोबेंजीन येलो कलर 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। आगे है क्रोमोजन। क्रोमोजन का अर्थ यह है कि जिसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट हो
जैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दें तो शेष पार्ट क्या कहलाता है? क्रोमोजन। और क्रोमोजन में क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन पिक्रिक एसिड, जिसमें क्रोमोफोर के रूप में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात यह है कि इसमें क्रोमोजन कौन सा पार्ट है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दें तो शेष है वो क्या कहलाता है? क्रोमोजन। आगे है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम है वो टू ग्रीक वर्ड ऑक्जिन और क्रोमा से मिलके बना है। ऑक्जिन का अर्थ है टू इंक्रीज, क्रोमा का अर्थ है कलर, कलर को इंक्रीज करना या कलर की इंटेंसिटी को क्या करने वाला हो, इंक्रीज करने वाला हो। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं, नाइट्रोबेंजीन है वो पेल येलो या कहूं कि लाइट येलो कलर का होता है। उसमें मैंने ऑक्सोक्रोम क्या जोड़ दिया? OH। जोड़ने से उसका कलर डार्क हो जाता है और वो कलर कौन सा होता है? डार्क येलो। इसका मतलब कलर की इंटेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। किसके कारण? ऑक्सोक्रोम के कारण। इसलिए कहा जा सकता है कि ऑक्सोक्रोम है वो अब्जॉर्प्शन बैंड को स्पेक्ट्रम में रेड रीजन की ओर शिफ्ट कर देते हैं, और रेड रीजन है वो अपन विब्जोर में पढ़ते हैं कि रेड रीजन है, अपन वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं तो लेमडा मैक्सिमम है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सोक्रोम है वो कलर इनहेंसिंग ग्रुप होते हैं जो कलर की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सोक्रोम है वो क्रोमोफोर, दैट मीन ऑक्सोक्रोम कौन था? OH। क्रोमोफोर कौन था? NO2। ऑक्सोक्रोम है वो क्रोमोफोर के साथ एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है और लेमडा मैक्सिमम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बट ऑक्सोक्रोम है वो स्वयं कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्यों? इसके लिए अपन देखें कि ऑक्सोक्रोम है वो OH है, SH है, OR है, NH2 है, NR2 है, NHR है। हेट्रो एटम के पास क्या है? लोन पेयर है, परंतु बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इनमें N टू सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है, और ये फार या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर प्राप्त होते हैं, या कहूं कि लेमडा मैक्सिमम 200 नैनोमीटर से क्या होती है? कम होती है। इसलिए ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर ही अपना अब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं करते, इसलिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। या दूसरा कहूं कि बेंजीन है वो कलरलेस है और फिनोल भी कलरलेस है, जबकि फिनोल में ऑक्सोक्रोम के रूप में कौन है? OH है, फिर भी कलर नहीं है। इसका मतलब ऑक्सोक्रोम है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, केवल कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब है नीचे चार एग्जांपल दिए हैं और उनमें कौन ऑक्सोक्रोम है और कौन क्रोमोफोर हैं उसका पता लगाते हैं। ए के अंदर क्रोमोफोर के रूप में एजो है, जबकि ऑक्सोक्रोम के रूप में डाइमेथिल एमीन है। बी के अंदर ऑक्सोक्रोम के रूप में OH है और क्रोमोफोर के रूप में कौन है? NO2 है। सी के अंदर ऑक्सोक्रोम के रूप में OH और क्रोमोफोर के रूप में कौन है? NO2। और डी के अंदर आपको ये बताना है कि इनमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर
कौन है, या कहूँ कि इसमें NO है, वो किसका कार्य करता है। थैंक्स।